आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जिसमें ये पूछ रहा है कि इन द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए द पिच ऑफ द हेलिक्स इज ऑप्शन 1 3.4 नैनोमीटर, ऑप्शन 2 0.34 नैनोमीटर, ऑप्शन 3 6.6 नैनोमीटर या ऑप्शन 4 34 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में गिवन है। आप राइट साइड में एक डायग्राम देख सकते हो, उसमें एंगस्ट्रॉम के यूनिट में बताया गया है उसके डिफरेंट डायमेंशंस को। जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम, जो इसका डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम, एंड फाइनली एक कंप्लीट स्पायरल टर्न का जो लेंथ है वो है 34 एंगस्ट्रॉम। तो इसको एक और वर्ड दिया गया है पिच, मतलब कब वो जो डीएनए का लैडर है वो एक पॉइंट से, एक गिवन पॉइंट से स्टार्ट करें तो पूरा घूमकर वापस उसी पोजीशन पर कितने लेंथ के बाद आता है, तो वो लेंथ को बोलते हैं पिच और वो है 34 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे क्योंकि हमें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम देखते हैं डिफरेंस। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर, मतलब 10 गुना छोटा है, सॉरी ये 10^10 गुना छोटा है एक मीटर से। और सेम अगर हम नैनोमीटर का देखेंगे तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर। तो अगर आप डिफरेंस देखोगे सिर्फ 1 एंगस्ट्रॉम और 1 नैनोमीटर में, तो ये आप जानोगे कि दोनों में बस इंटू 10 का डिफरेंस है, अ फैक्टर ऑफ 10। क्यों? क्योंकि एंगस्ट्रॉम 10 गुना छोटा है 1 नैनोमीटर से और 1 नैनोमीटर 10 गुना बड़ा है 1 एंगस्ट्रॉम से। तो ये बात हमें पता है कि 34 एंगस्ट्रॉम है, तो अगर हम इसे कन्वर्ट करना है इनटू नैनोमीटर तो हम इसको करेंगे डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3.4 नैनोमीटर। दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 3.4 नैनोमीटर्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।